तो दोस्तों अगर आपके भी YouTube चैनल पर 10 से 20 व्यूज आ रहे, चाहे आप जितना भी मेहनत करके देख रहे हैं, हर तरीका अपना ले रहे हैं, लेकिन आपके चैनल पर 10 से 20 व्यूज से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीके को 99.9% लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होगा, या फिर वो इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा छोटा चीज़ मिला करके ही YouTube पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको अच्छा एंड बड़ा रिजल्ट देता है, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उस चीज़ के थ्रू क्या होता है कि YouTube वाले आपकी वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक भेजते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम प्रोफेशनली तरीके से करते हैं तो YouTube वाले उसको चेक करते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं कि भाई इसने वीडियो पे क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या एलिमेंट लगाया है। सब कुछ देखने के बाद उनको लगता है कि हाँ भाई इसको थोड़ा बूस्ट मिलना चाहिए, तो वो आपकी वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक भेजते हैं, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मली क्या करते हैं कि वीडियो बस बनाते हैं, एडिट करते हैं अच्छे तरीके से, मतलब सब कुछ कर लेते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल लिख लेते हैं और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड वगैरह नहीं करते, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल जिस तरह से लोगों का व्यूज चलता है उस तरह से आपका भी चलता है, और इस वजह से दोस्तों आपके चैनल पे 10 से 20 व्यूज आते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हर वो सक्सेसफुल यूट्यूबर जो कभी आप उसको सक्सेस देख रहे हैं, उसने भाई शुरू में ये काम को जरूर किया है, तभी जाकर के आज वो सक्सेसफुल यूट्यूबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सब कुछ आज आप सभी को अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी को हमेशा रियल इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन चीज ही बताता हूं, कोई भी फेक फाक चीज आपको नहीं बताता, ठीक है। तो चलिए सहारा ले लेते हैं अपने स्मार्टफोन का, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा मैं कोई भी चीज बताने के लिए अपने स्मार्टफोन का ही सहारा लेता हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो ओपन कर लिया, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर पे सबसे पहले तो आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है, क्योंकि ये नॉर्मल आप जो है वो YT स्टूडियो ऐप से नहीं कर पाएंगे, इसको आपको क्रोम ब्राउजर से अपना YouTube ओपन करके वहाँ से ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वीडियो वाले सेक्शन पे जाता हूँ। वीडियो वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर से मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे व्यूज भी हमारा किसी में आता है किसी में नहीं आता, देख सकते हैं किसी में 109 है, किसी में 24 है, किसी में 80 है, किसी में 46 है, किसी में 4 है, इस तरह से व्यूज आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा भी वही कंडीशन है जो अभी आपका कंडीशन है, लेकिन दोस्तों हार नहीं मानना है, हर वो मेहनत करके देखना है जो हम लोग को पॉसिबल लगता है कि हाँ दोस्तों इसको करने से हम लोग का चैनल ग्रो हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए मान लीजिए एक वीडियो के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अभी इस वीडियो पर क्लिक कर लेना, ठीक है। हर वो वीडियो में आपको काम करना है इस चीज़ को, हर वीडियो में काम करेंगे तो यूट्यूब वाले आपके हर वीडियो को एनालाइज करते हैं, और हर वीडियो को एनालाइज करने के बाद वो आपके वीडियो का इंप्रेशन ज्यादा लोगों तक सेंड कर दें। तो फिलहाल आपको बता दें कि काम कैसे करना है और क्या करना है, सब कुछ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू अपने वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं आपको कोई भी चीज जो है वो रोक करके नहीं बताता हूं, सब कुछ अच्छे बताता हूं, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि इस पर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा दोस्तों हमारा नेटवर्क इशू वगैरह रहता है इसलिए थोड़ा धीरे खुलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको हमारा टाइटल हमारा डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जो मेन काम है दोस्तों वो यहीं पे शुरू होता है कि आखिर हम लोग को ऐसा क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल करेंगे, इसको इस तरह से स्लाइड करेंगे, ठीक है। स्लाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो दो ऑप्शन दिख रहा होगा ना, एंड स्क्रीन एंड कार्ड का, तो फिलहाल बता दें कि इसको यूज करने से क्या होता है कि देखिए अगर आप मान लीजिए आपका एक वीडियो चला तो उस वीडियो को चलने की वजह से दूसरा वीडियो भी आपका चलेगा, क्योंकि लोग जब आपकी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका ये वीडियो खत्म होकर के वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफी लोग बीच में काट देते हैं, बीच में रोक देते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं भी रोकते, और अगर आपका ये वीडियो नहीं भी चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब वाले जब आपके वीडियो को एनालाइज करते हैं, पूरा देखते हैं कि हाँ भाई इसने अपने वीडियो पे क्या क्या यूज किया है, तो क्या होता है कि जब इस तरह का आपका जो है वो आई बटन और एंड स्क्रीन आपके वीडियो पे यूट्यूब वाले को दिखता है तो उनको लगता है कि हाँ भाई इसको प्रोफेशनली अच्छा नॉलेज है, इसको बूस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें इसको लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से दोस्तों आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए जाएंगे कि कौन से एलिमेंट्स को आपको यूज़ करना है, तो सब कुछ आपको बताने वाले। तो थोड़ा सा नेटवर्क की सूरत है दोस्तों, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन ये सब चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है, सब कुछ मैनेज करते हुए आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एंड स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक ना। अभी यहीं पे आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से आप कोई सा भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं, तो किसी को भी यूज करने से अच्छा है कि मैं इसको हमेशा प्रेफर करता हूँ, एक सब्सक्राइब वाला और एक यहाँ हमारा कोई भी वीडियो, ठीक है। तो इसको उठा करके साइड में कर देते हैं, और साइड में करने के बाद यहाँ पर से इस पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ये प्लेलिस्ट है, तो या तो आप प्लेलिस्ट लगा सकते हैं या फिर आप वीडियो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर से मैं इसको हटा देता हूँ, और सबसे पहले तो यहाँ पर से मैं एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ,
यहाँ पर से मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट वीडियो यानी कि आपने जो लास्ट टाइम अपलोड किया है वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो डालना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। अभी आपको सिंपल से इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसको करने से चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हर वो छोटा छोटा चीज़ अगर आप यूट्यूब पर ध्यान देते हैं तो वो आपको बड़ा जल्द देते हैं। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों हमारा क्या हुआ कि इन स्क्रीन में लोड हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, आई कार्ड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आई कार्ड पर क्लिक कर लिया तो सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही खुलेगा, और उसमें क्या है कि आपको एक आई बटन ऊपर में देखने के लिए मिलता है ना इस तरह से, तो यहाँ पे आपको आई बटन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं और आई बटन भी लगा सकते हैं। दोनों चीज जब आप इसमें लगा लेंगे उसके बाद जब आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो दोस्तों मान लीजिए कि आधा दूर तक किसी ने आपके वीडियो को देखा, वहां से समझ में नहीं आने लगा, तो वो आई बटन पर क्लिक करके आपके दूसरे वीडियो पर चला जाएगा, या फिर यूट्यूब वाले आपके इंप्रेशन को ज्यादा लोगों तक भेजेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका यूट्यूब वीडियो हमेशा ही वायरल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैंने आप सभी को अपने चैनल के थ्रू बताया है और समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक एंड साथ ही साथ करते जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।